हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मंत्रा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक पर चर्चा करने आया हूं, सीयूईटी टेस्ट के बारे में। ये जो एग्जाम है भाई है क्या, तो ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है, जी एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि आप जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन अगर लेना चाहते हो ट्वेल्थ के बाद, तो इस एंट्रेंस के एग्जाम के बावजूद ही आप ले पाओगे। पहले क्या होते थे, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज के क्या एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, उनमें मेरिट लिस्ट आए तो होता था, लेकिन अब जो है ना कि सभी कॉलेजों के सिंपल सा एक सिंगल एग्जाम होने वाली है, जिसका नाम क्या है, सीयूईटी टेस्ट, है ना। तो इस एग्जाम के बारे में कहा जाए तो द कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट 2023, इसके अंतर्गत आप ये जितने भी अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन के लिए आपको कॉलेज अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे डीयू के लिए है ना, या तो आप कहिए तो आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए या कोई भी जामिया इस्लामिया के लिए किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं बड़े से बड़े कॉलेजों के लिए, तो इस एंट्रेंस के थ्रू से ही आप ले सकते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करता हूं, क्या क्या इस टॉपिक में मतलब इस एग्जाम में के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इनके सिलेबस के बारे और इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप सभी ने लगभग जितने भी ट्वेल्थ वाले हैं एग्जाम स्टूडेंट, वो आपने ये फॉर्म भर चुका होगा, और अब एग्जाम की बारी है। एग्जाम में क्या, कब एग्जाम होने वाली है और क्या एग्जाम होने के साथ साथ इसमें क्या क्या पढ़ा जाए, उनके बारे में क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, किस तरीके के होंगे, तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं। आइए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एग्जाम का टाइप क्या है भाई, तो एग्जाम का टाइप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बोले तो सीबीटी टेस्ट, है ना। इसे क्या कहते हैं, सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली, कोई भी ऑफलाइन एग्जाम होने वाली नहीं है, यानी आप लोग कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। सेकंड आइए क्या कह रहा है, एग्जाम डेट कब से कब तक होगा, तो 21 मई से 31 मई के बीच होंगे, सबके अलग अलग शिफ्ट में होंगे, अलग अलग डे हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑल ओवर इंडिया में होने वाले, तो काफी स्टूडेंट्स होंगे इनकी संख्या में, तादाद संख्या में। तो आगे आइए, यूनिवर्सिटीज कितने हैं, तो 86 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने वाली है, ठीक है, जिसके अलग अलग बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, तो जिनमें जिनको जिसमें लेना है जिस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, तो उनके लिए अप्लाई करना है, तो 86 यूनिवर्सिटीज दिया गया। अगला क्या कहा जा रहा है, मीडियम एग्जाम, अब भाई किन किन भाषाओं में लैंग्वेज में क्या होता है एग्जाम होने वाली, तो कुल 13 भाषाओं में एग्जाम होने वाली है, जिसमें कि आप बेसिकली हिंदी इंग्लिश तो कॉमन सी होगी ही, ठीक है, बाकी उर्दू बंगाली बहुत सारी है एग्जाम, उन सब में एग्जाम होने वाली है। अगला ये क्या है, एग्जाम का जो पैटर्न सेक्शन है जो है वो 3 सेक्शन में एग्जाम होने वाली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेक्शन में जो होंगे लैंग्वेज टेस्ट के बारे होंगे, जिनमें कहा जाए 50 क्वेश्चंस होंगे और 40 क्वेश्चंस का आपको क्या होगा, जवाब देना होगा। और सेकंड होगा डोमेन टेस्ट, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस में भी 40 क्वेश्चन, और अगला जो है जनरल टेस्ट, 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। ये जो जनरल टेस्ट है सभी के लिए क्या होगा, कॉमन होंगे, बट यहाँ लैंग्वेज टेस्ट बहुत सारे हैं लैंग्वेजेस, उसमें आप चूज करना होगा कितने से कौन सा लैंग्वेज में आप एग्जाम देनी है, हो सकता है कि इनको हिंदी इंग्लिश में दिया हो, देना हो या कोई भी चीज में। अब बात आया टोटल मार्क्स, प्रत्येक सेक्शन में आप कहा जाए तो मेनली आपको 200 मार्क्स होंगे, और जो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी एवरी क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स, ठीक है। अब बात आया मार्किंग स्कीम को लेकर, आप कोई भी अगर करेक्ट आंसर देते हो तो उसमें 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और अगर एक भी सवाल गलत हो तो उसमें आपका एक नंबर काट ली जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग मौजूद है। अब आइए यहां पर चर्चा मैं करता हूं सेक्शन 1 के लिए, लैंग्वेज टेस्ट के लिए। अब लैंग्वेज टेस्ट में अगर होगा तो क्या पेपर में क्वेश्चंस आए जाएंगे, तो लैंग्वेज टेस्ट में जैसे कि आप हिंदी इंग्लिश कॉमन लेते हो, तो उसमें समझिए कि नॉर्मली आपका अपठित गद्यांश के बारे यानी पैसेजेस के बारे पूछा जाएगा, उसमें क्या होगा आप पढ़ के उसका जवाब दे सकते हो। सेकंड आ सकता है जितने सारे ग्रामर्स यानी व्याकरण पढ़े हो, जो भी है ना, स्वरनाम संज्ञा जितने भी है, समास उमास संधि उन्धि सब, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और थर्ड ये भी हो सकते हैं क्या, उनके साहित्य से संबंधित, जो कि थोड़ा सा वो टॉपिक थोड़ा टफ होगा, अलग होगा, उनको पढ़ना होगा आपको, यानी लैंग्वेज टेस्ट में थोड़ा सामान्य होगा, नॉर्मल रहता रहेगा। डोमेन टेस्ट क्या होगा भाई, तो डोमेन टेस्ट में आप क्या हो सकता है, वैसे पेपर्स को लोगे भाई जिसमें आप बेसिक सा ऑनर्स को केयर करोगे, जिस ऑनर्स करना या चाहते हो, जिस पेपर पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो, उसको लेकर होगा डोमेन टेस्ट। थर्ड आया जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले, जितने सारे बच्चे हैं ना, सबके लिए क्या होगा, एक जैसा पेपर होगा। अब आता हूं मैं सबसे पहले चर्चा करने के लिए लैंग्वेज टेस्ट के बाद सेक्शन थर्ड के लिए जनरल टेस्ट के बारे में, जनरल टेस्ट में क्या क्या हो सकते हैं टॉपिक में, ठीक है। जनरल टेस्ट बोले तो जीके जीएस करंट अफेयर्स, यानी जीके जीएस यानी क्या, जनरल नॉलेज के बारे में, इंडिया हो या वर्ल्ड हो या कोई भी चीज के बारे में, उनका जितना भी आपको जनरल नॉलेज जो आने चाहिए, जैसे बोला जाएगा कि कोई भी ये रिवर कहां पर है, वो नदी कहां है, उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, कुछ भी हो, ठीक है, उसका कैपिटल क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो होंगे वो जीके जीएस जीके के अंतर्गत आएंगे। जीएस के बारे, अगर जीएस जनरल साइंस के बारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, हार्ट बीट रेट क्या है, ठीक है, आप बोन्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चन है वो सारे पूछा जा सकता है जिसमें जीएस में है। अब करंट अफेयर की बात ले लू कि कब तक के बाद पढ़ा जाए, करंट अफेयर होता क्या है, तो करंट अफेयर बोला जाए जो दैनिक घटनाएं होती है ना, उन चीजों के बारे जानकारी लेना है, तो ये करंट अफेयर कब तक, तो
जनरली जो होता है 6 मंथ के जो क्वेश्चंस होंगे वो उनको हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सी घटनाएं घटी है इधर हाल फिलहाल, उन चीजों के बारे में जानकारी पूछा जाएगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मान लीजिए 1 साल के इंटरवल में भी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में जानकारी भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई है, तो ये काफी फेमस लड़ाई है, तो अभी कहा जा सकता है रशिया का किन देश के साथ क्या लड़ाई चल रही है, तो ये घटना जो है तो उस तरह का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो करंट अफेयर क्या है, आपका कौन सा रिपब्लिक डे में कौन से गेस्ट आए हुए थे, या कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये करंट अफेयर की बात आ गई। जनरल मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग का, जितने सारे ये रीजनिंग का पार्ट हो गया भाई, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आप लोग ऐसे समझ जाओ ना कि कोई भी रीजनिंग का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। रीजनिंग होता क्या है कैसे आप बता सकते हैं कि आप समझ जाओ, क्या अगर दिन को रात कहते हैं, अगर दिन को रात कहते हैं तो सुबह को क्या कहेंगे, शाम कहेंगे, है ना। ऐसा मतलब बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा, उल्टा पुल्टा करके आप जवाब देना होगा, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि भारत की राजधानी कहां है, नई दिल्ली है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ये जनरल आएगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट में आ जाएगा, न्यूमेरिकल मतलब नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है कि जैसे क्या 2, 4, 6, 8 हो गया, तो अगला टर्म क्या होगा, 8 के बाद क्या हो सकता है भाई, तो 10 हो सकता है, जब 2 का डिफरेंस हमें चल रहा है अगला क्या होगा, 10 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन रह सकते हैं। रीजनिंग, लॉजिकल एनालिसिस कुछ भी हो जाएगा, लॉजिक लगाने वाली बात आ जाएगी, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होंगे, कि कुछ भी सारे रीजनिंग के, जैसे कहा जाएगा उनके माता के पिता के भाई आपके क्या लगेंगे, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेंगे। कुछ एक्स्ट्रा वो ब्लड रिलेशनशिप के बारे भी होंगे, या बहुत सारा लॉजिक दिमाग लगाने वाला टॉपिक भी क्वेश्चन रह सकते हैं। रीजनिंग का पार्ट आ जाएगा, आप अगर उस बुक देखोगे या उसके टॉपिक बारे पढ़ोगे तो अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। ये थे सेक्शन 3 के बारे जो सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। अब बात आया जाए डोमेन टेस्ट के लिए। फर्स्ट लैंग्वेज टेस्ट समझ आ गई है और जनरल टेस्ट समझ आ गई, तो डोमेन टेस्ट में क्या है, तो डोमेन टेस्ट में अगर हम लेंगे तो टॉपिक में आता हूं सब्जेक्ट आप जो चूज किया होगा। अगर मैं यहां 4 सब्जेक्ट को चर्चा कर रहा हूं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए, अब मैथमेटिक्स की बात चर्चा करता हूं क्या, तो देखिए मैथमेटिक्स में ना 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। मैथमेटिक्स में सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सभी स्टूडेंट मैथमेटिक्स वाले वाले बच्चे को क्या था कंपलसरी होगा, जिसने भी डोमेन पेपर है मैथमेटिक्स भरा है। और मैथमेटिक्स में क्या होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में बोले तो क्या, तो क्लास 12th की बेसिक डिटरमिनेंट, अलजेब्रा जितने भी है, अलजेब्रा, कैलकुलस जितने भी है, फैक्टर सबका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पूछा जाएगा इसमें 15 क्वेश्चन जो सेक्शन ए है मैथमेटिक्स, उसमें 35 क्वेश्चन जो है ना अगला जो है सेक्शन बी में, उसमें देखिए B1 और B2 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। B1 B2 कैटेगरी क्या है, तो B1 कैटेगरी भी सेम है बट क्वेश्चन इसमें लेवल थोड़ा हाई होगा, सेम क्वेश्चन रहेगा क्लास 12 का बट क्या होगा उससे लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। B2 में क्या होगा, ये जो जनरल मैथमेटिक्स होगा, एडवांस मैथमेटिक्स वो सब आ जाएगा, बॉट स्ट्रीम का क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब सारे होंगे। तो उसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा क्या B2 पे फोकस ना करें, अगर कोई का किन्हीं का मैथ्स रख रहे हो, यानी उसका सिंपल से बात है क्या 11-12 मैथ्स होगा, तो अगर है तो उसमें B1 पे फोकस करना, B1 एंड A पर फोकस करिएगा, यानी आप क्लास 12 का मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ जाओ भाई, तो उससे आपका मैथमेटिक्स पेपर अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट आइए बायोलॉजी को लेकर अगर चर्चा कर, बायोलॉजी को अगर लेकर चर्चा मैं करता हूं, तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा कि क्लास 12 के जितने सारे यूनिट्स हैं आप 5 यूनिट को अच्छे से पढ़ लो, क्लास 12 का यूनिट, ओनली क्लास 12 का। तो जितने भी रिप्रोडक्शन का यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट्स है, सेकंड यूनिट्स का है, जेनेटिक्स का है, थर्ड जितने भी सारे हैं, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड हो या बायोटेक्नोलॉजी से हो या इकोलॉजी से हो, ये सारे यूनिट्स को आप पढ़ जाओ क्लास 12 का, आपका क्वेश्चन सारे उन्हीं से होंगे। नेक्स्ट अगर मैं 2 और पेपर ले लूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, हिस्ट्री के लिए चर्चा में कर दूं तो क्या होगा भाई, हिस्ट्री का फर्स्ट में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा यानी पुरानी सभ्यता को, इस बीसी के घटना को लेकर हम लोग को चर्चा करना, 1500 BC को लेकर, है ना, कि उसमें क्या घटनाएं घटती, उसमें हड़प्पा सभ्यता कैसे कैसे विकास हुआ इंडिया में, है ना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, ठीक है। अब सेकंड आ गया उसी में हिस्ट्री में राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का मतलब क्या है कि वहां राजनीति जब पुराने घट समय में राजनीति किस प्रकार चलती थी और किस प्रकार क्या एक दूसरे के बीच क्या मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन एक दूसरे के पास रिलेशन था, किस तरह लेन देन हो रही थी, इन चीजों की जानकारी। थर्ड आ जाए और किसके शिलालेख के थ्रू से, तो हमें क्या है पुरानी प्राचीन चीज बहुत पुरानी चीजों को हम लोग अच्छे से जानकारी ले पाते हैं, तो उसमें क्या है, क्या कोई पुष्टि किया गया, हाँ बिल्कुल पुष्टि किया गया है। पहले क्या होते थे ना, कोई कागज पन्नों में नहीं, क्या होता बड़े बड़े चट्टान टुकड़ों में शिलालेख होता, वहां पर क्या है अंगीकृत किया जाता था कोई भी चीज की, कुछ भी कोई महाराजा राजा कुछ भी कई नई घटना करते थे तो उसके थ्रू से लिखवा देते थे और उसी की पढ़कर आज हम क्या वहां के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। महाभारत के समय की समझना है कि उसमें सामाजिक इतिहास क्या कहते हैं, महाभारत के समय किस प्रकार का इतिहास मतलब किस प्रकार सामाजिक स्थिति थी उनके बारे, बौद्ध धर्म के बारे यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी सारे ज्ञान है उनको जानकारी लेना है। और वहां पर सांची स्तूप, बेसिकली सांची स्तूप जो कि बौद्ध धर्म का एक अवशेष के रूप में हम लोग जान सकते हैं, ठीक है, तो सांची स्तूप की जानकारी या बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जितनी जानकारी उनको आप ले सकते हो। मध्यकालीन समाज में यात्री वितान, यात्री वितान बोले तो जो यात्री जो है मध्यकालीन समय में क्या है, जैसे इब्न बतूता हो गया, फयान हो गया, हंसा हुई, जितने सारे व्यक्ति आए उन्होंने यहां के बारे क्या क्या जानकारी दी अपने पुस्तक में, उन चीजों की
की जानकारी बताना है, कह रहा है नई वास्तुकला, नई वास्तुकला, नई वास्तुकला के उदय, जैसे कि हम्पी कर्नाटक में नए वास्तुकला का क्षेत्र का विकास हुआ था, उन चीजों के बारे जानकारी इसमें लेनी हिस्ट्री में। फिर धार्मिक इतिहास, मतलब कहा जाए तो क्या सूफी संत के बारे, सूफी संत बोले तो क्या चिश्ती साहब के बारे, औलिया साहब के बारे, इन जितने भी सूफी कबीरदास या जितने भी सूफी संत थे उनके बारे में जानकारी, वो धार्मिक उपदेश किस प्रकार देते थे, क्या उनकी सोच थी, क्या थी ज्ञान। अगला है मुगल दरबार, यानी क्या बाबर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, इन चीजों के बारे में, उसमें दरबार में किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार क्रिया थे, किस प्रकार संबंध था, सामाजिक अस्तित्व था, उनकी जानकारी। फिर आया कृषि संबंधी, यानी आईने अकबरी, आईने अकबरी बोले तो क्या अबुल फजल की लिखी हुई पुस्तक है आईने अकबरी, उसमें जो कृषि संबंधी जानकारी क्या प्राप्त हुई है उन चीजों के बारे। उपनिवेशवाद, सरकारी अभिलेखों का साक्ष्य, मतलब उपनिवेशवाद का उदय कैसा हुआ, उसमें जो सामाजिक स्थिति थी गरे, मतलब कि लोगों के बीच और सरकार के बीच उनके बीच क्या रिलेशनशिप था, उन चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली है, उन जानकारी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1857 की प्रतिनिधित्व, मतलब 1857 का जो क्रांति हुई थी, है ना, रिवॉल्यूशन हुआ था, उनके समय कौन कौन सा कहां पर किन नेताओं ने क्या आगे बढ़ा था, जैसे वीर कुंवर सिंह बिहार से हुए थे, नाना साहब टाटा टोपी ये सब कानपुर से, इन नए नए जो झांसी की रानी, ये बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, ठीक है, बहादुर सिपाही थे, जो उन्होंने अपना क्या योगदान दिया था 1857 में देश को आजाद करने में, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद और भारतीय नगर योजनाएं, मतलब उपनिवेशवाद जब आया, धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो उसमें भारतीय नागरिकता, मतलब नगर पालिका किस तरीके से बढ़ी, उनकी जानकारी। फिर आईएस, समकालीन दृष्टि से महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जब आए हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय उनकी क्या भूमिका रही, किन किन आंदोलन में, खेड़ा सत्याग्रह के बारे, चंपारण सत्याग्रह के बारे, भारत छोड़ो या जितने भी सारी घटना, सभी नए आंदोलन, उनके बारे जानकारी हो सकती है, इनसे क्वेश्चन रहेंगे। मौखिक स्रोतों के जरिए विभाजन, ये देश में जो विभाजन हुई है उनकी जानकारी के बारे, और संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन किन स्रोतों से हुआ, कहां कहां से क्या ज्ञान लिया गया, और उनमें क्या घटनाएं घटी, उन सभी के बारे जानकारी लेनी है इतिहास में। अब ये ज्योग्राफी को लेकर चर्चा कर करते हैं, ज्योग्राफी में क्या है, मानव भूगोल और प्रकृति, यानी मानव का हमारे पृथ्वी और आसपास के परिवेश से क्या संबंध रहा है, किस प्रकार उनकी क्रियाएं हैं, इन चीजों की जानकारी इसमें लेनी है। फर्स्ट, सेकंड आएगा जनसंख्या, देश की जनसंख्या, अगर किसी कोई भी शहर है, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है, तो कहां की जनसंख्या कम है, बढ़ रही है, और कहां किस कारण से क्या प्रभाव पड़ रहा है परिवेश में, उनकी जानकारी। मानवीय क्रियाएं, जितने भी है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, जितनी भी क्रियाएं हैं सहकारिता क्षेत्र के लेकर, निजी क्षेत्र को लेकर, या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, कृषि संबंधी कोई भी हो, उनकी जानकारी के बारे में मानवीय क्रियाएं। फोर्थ आ गया परिवहन, संचार और व्यापार, किस प्रकार से परिवहन हो रही है, संचार की व्यवस्था किस प्रकार से बढ़ रही है, और व्यापार किस तरीके से, किस क्षेत्र में क्या चीज का खनन हो रहा है, कहां पर व्यापार किया जा रहा है, कहां पर, इन स्रोतों की जानकारी मिलने वाली है। मानव बस्तियां, संसाधन और विकास, संसाधन हमारे देश में किस संसाधन जो है हमारे लिए क्या फायदा कर रहा है, किस प्रकार संसाधन होती है, और किस तरीके से हम अपने परिवेश को डेवलप कर पा रहे हैं, इनकी जानकारियां भी दी जा रही है किसमें, ज्योग्राफी में। अगला क्या, पर्यावरण प्रदूषण के बारे, शहरी कचरा निपटान और मलिन बस्तियों की समस्या, आप देख सकते हो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बस्तियां ऐसे भी हैं जहां पर क्या मलिन बस्तियां, मतलब कचरे पर जैसे तैसे रह रहे लोग, तो वहां का विकास कैसे क्या होगा, इन सभी की जानकारी ज्योग्राफी का टॉपिक है। और क्या, तो आप देखते हैं ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे ये सिलेबस का, आप लोग बेसिक्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या है, सेक्शन थर्ड तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन डोमेन टेस्ट में कोई मैथमेटिक्स, कोई बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चयन किया है, तो जिन्होंने भी इन पेपर का चयन किया है उनके लिए मैं बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी कोई कोशिश करें कि अच्छे से एग्जाम दें इन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और जो भी अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटीज को सिलेक्शन किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग सिलेक्शन हो पाए। धन्यवाद।